हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने पिछली वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस कर लिए थे एमसीक्यू के फर्स्ट टर्म के सृजन पब्लिक स्कूल के पेपर्स हैं। तो अब इसके 21 क्वेश्चन से कर लें। मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू के टर्म पेपर आप जो अलग अलग स्कूल में आए हैं बच्चों को उनको सॉल्व करोगे तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेप्ट आपको खाली एनसीईआरटी के पढ़ लेने से नहीं क्लियर होते हैं, बट जब क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आते हैं तो आपको वो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो वहाँ पे दिमाग में क्लियर होता है, और ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके वीक है, फिर उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब 21 क्वेश्चन कह रहा है एनी सोल और रिएक्शन विद HI गिव्स। एनी सोल मालूम होना चाहिए, कॉमन नेम है मिथॉक्सीबेंजीन का, OCS3 जब लगा होता है तो इसको हम मिथॉक्सीबेंजीन भी कहते हैं, IPSC है ये, और इसका कॉमन नेम है एनिसोल। ठीक है, जब ये HI से रिएक्ट करेगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि H जो है वो O पे जाएगा और ICS3 पे आएगा। उसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है और ये बेंजीन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ से नहीं टूटेगा बॉन्ड, यहाँ पे टूटेगा। यहाँ से जब टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हल्का नेगेटिव है, ये हल्का पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव ओ पे नेगेटिव पे आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक फिनॉल बनेगा और CH3 बनेगा। ठीक है, जब भी बेंजीन के साथ डायरेक्ट ओ लगा होगा कोई भी इथर है, मान लो अगर ये इथर भी होता तो ये दिया है और HI दो गई, तो एक तो फिनॉल बनेगी, जो ओ अगर डायरेक्ट बेंजीन मिक्स लगाया तो फिनॉल बनेगा और दूसरा आई बनेगा। तो अब देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, एनिसोल को हमने HI से रिएक्ट करा दिया है तो क्या बनना चाहिए, इनमें से देख लीजिए फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, तो कौन सा आंसर हो सकता है, ये बी फॉर बॉम्बे आंसर सही। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अगर आप ये लिख के आते आई इसके ऊपर दे देते और CH3OH इधर कर देते तो वो गलत होता जो ये कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर आपको ध्यान क्या करना है कि जब ईथर्स को रिएक्ट करते हैं HI से तो क्या बनता है, उसके पैटर्न पे भी क्वेश्चन है। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, द वन विच विल रिएक्ट फास्टर विद लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी एल्कोहल, मान लीजिए एल्कोहल है, इसको हम HCl से जब रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CL2, ठीक है, इसमें हीट करना पड़ेगा तो यहाँ पे Cl लग जाएगा और ये H2 हो जाएगा, तो ये टर्मिनिटी आती है। तो हमको क्या मालूम होना चाहिए कि टर्शी एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एल्कोहल, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, टर्शी एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि टर्शी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो क्या होगा कि लुकास टेस्ट में जो टर्शी एल्कोहल है वो टर्बिडिटी तुरंत देता है, टर्शी एल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली देगा क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत आसानी से रिएक्ट करेगा। सेकेंडरी एल्कोहल टर्बिडिटी देगा 2 to 5 मिनट्स में, और प्राइमरी एल्कोहल विल गिव टर्बिडिटी ओनली अपॉन हीटिंग। ठीक है, तो अब इसमें हमारे जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन विच विल रिएक्ट फास्टर, कौन सा, टर्शी, तो ये तो प्राइमरी है ब्यूटन वन ऑल, ये प्राइमरी है, इसके एक ही तरफ कार्बन, जिस पे OH लगा उसके एक ही तरफ कार्बन है तो ये प्राइमरी है, ब्यूटन ये सॉरी टू ऑल सॉरी ब्यूटन टू ऑल है तो ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है, इसके इधर भी कार्बन, दो तरफ कार्बन है, ब्यूटन वन ऑल प्राइमरी है, इसकी जिस पे OH लगा उसके एक ही तरफ कार्बन है तो प्राइमरी है, पेंटन वन ऑल भी प्राइमरी है, 5 कार्बन है, ठीक है, प्राइमरी। टू मिथाइल प्रोपन टू ऑल, ये टू पे मिथाइल है तो ये टर्शी एल्कोहल है, दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव। तो जो सबसे पहले जल्दी रिएक्ट करेगा लुकास टेस्ट में वो 2-methyl-propyl-2-ol होगा, क्योंकि ये टर्शी एल्कोहल है, टर्शी एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि टर्शी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ओके, तो इसलिए आंसर डी होगा। हटाते हैं बच्चों से।
ओके स्टूडेंट्स, 23rd क्वेश्चन में कह रहा है न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का। एक्चुअल में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तब ये न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन पार्ट होते हैं, एक तो शुगर बेस होता है, शुगर होता है, और उसमें फिर एक बेस होता है जो एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम बनाया है, कुछ इस तरह से बनाया है, यहाँ पे बेस लिख दिया है, इसको शुगर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप होता है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे CH2 फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होता है, वो फॉस्फेट ग्रुप मान लीजिए। तो ये जो होता है इस तरह से, तो ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो कैसे जुड़ता है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे शुगर है, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये जब जुड़ते हैं आपस में तो फिर यहाँ पे अगला, यहाँ पे जब जुड़ेगा तो फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, फिर यहाँ पे शुगर आ जाएगा, और यहाँ पे बेस आ जाएगा, फिर आगे जुड़ जाएगा, तो इस तरह से जुड़ता चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जब जुड़ते हैं तब जाके ये बनता है, और अगर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप ना होता तो न्यूक्लियोसाइड कहलाता। तो अभी हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से ये जुड़ता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक। हटाते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, 24th क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए हैज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जो हेलिक्स होता है ना वो इस तरह से बना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे NH ग्रुप है और यहाँ पे CO ग्रुप है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपस में हो जाती है तो उसकी वजह से ये हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो डीएनए में डबल बॉन्ड, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स, दो हेलिक्स के स्ट्रैंड, जैसे ये अगर डीएनए है तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। यहाँ पे मान लीजिए साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन, थायमिन, तो यहाँ पे गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ होगी, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के से इनके दो स्ट्रैंड्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये आंसर भी हो जाएगा। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब बच्चों, 35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स इज नॉट करेक्ट। जब डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का, तो जो हेलिक्स है इसमें से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो सब टूट जाती है, सीधी चेन हो जाती है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसका बचा रह जाता है, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर सब टूट जाते हैं। तो ये कह रहा है सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, ये सही है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिमेंस इंटैक्ट, ये गलत है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेंस इंटैक्ट, ये ठीक है। चेंज इन पीएच और टेम्परेचर कॉजेज डीनेचुरेशन, हाँ, पीएच में चेंज आ जाए या टेम्परेचर बढ़ा दोगे बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। तो ये वाला जो बात है सही है, बट बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो 25th का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है जी। हटाते हैं इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। ABC में तीन अलग अलग लेयर है, फिर अगला जो आएगा फिर ABC होगा, तो ऐसे को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है उसके अंदर ABC और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें ABAB होती है, ठीक है। तो इसमें ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग 26 क्वेश्चन का हो गया। फिर 27, ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि ब्रास जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, तो इसलिए इसके अंदर ब्रास में कॉपर एंड जिंक है, तो दोनों ही मेटल्स हैं, तो इसके मिक्सचर को हम
मतलब है दोनों मेटल के मिक्सचर है यहाँ पे, तो ये मेटेलिक सॉलिड है, ठीक है, ये एलॉय है, तो क्योंकि कॉपर एंड जिंक का एलॉय है, दोनों ही मेटल है, तो इट इज अ मेटेलिक सॉलिड। तो इसका 27 आंसर सी होगा। कोवेलेंट वाले जो अलग होते हैं, आयनिक वाले के जैसे NaCl है, मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर आप लोगे तो जैसे आयोडीन I2 है, वाटर है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो जो होते हैं वो मॉलिकुलर है, ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड में जाएगा ब्रास। फिर 28 द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर, वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी किस बात पर डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ द गैस, गैस अगर हाईली कंप्रेसिबल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो रही है तो आसानी से डिसॉल्व होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर अगर कम होगा तो गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगी, टेम्परेचर हाई पे कम डिसॉल्व होती है, प्रेशर अगर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर्स, नेचर पे भी टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और जो ज़्यादा जिसके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होगी जैसे अमोनिया में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ओके बच्चों, इनको हटाते हैं क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, 29 क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन वही शो करेगा जिनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के बाद घट जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है इथानॉल, ठीक है, C2H5OH। अब इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब अगर इथानॉल में हम साइक्लोहेक्सेन मिला दें, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये मिला दें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, तो जब बीच में साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घट जाएंगे। ये कह रहा है कि ए बी का अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन ए एंड बी, ये गलत है, ठीक है, ए बी अट्रैक्शन इज लेसर देन ए एंड बी, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पहले ज़्यादा था पर जब ये बीच में आ गया तो लेसर हो गया, तो ये वाला आंसर सही है। अट्रैक्शन रिमेंस द सेम तो गलत है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन, नेगेटिव डेविएशन में लेसर होता है, तो ये वाला सही है, बी फॉर बॉम्बे इज दी राइट आंसर, ठीक है। जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, तो वही कह रहे हैं ए बी अट्रैक्शन इज लेसर देन ए ए एंड बी, ये आंसर से हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 30th क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज एसिड, एसिड में सल्फर क्योंकि ये एलिमेंट्री स्टेट है तो इसका जीरो हो जाएगा। H2S में सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी नेगेटिव होगी, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन की 1×2 ले लो ये पॉजिटिव होगी, पर सल्फर की X मान लो इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू -2, यहाँ पे सल्फर की -2 आएगी, ठीक है। अब सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे सल्फर की पॉजिटिव आएगी, तो ये 2X+2×-1=0, तो 2X=2, X=+1, यहाँ पे सल्फर की +1 आ गई, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और दूसरा जो एटम है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव होगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे सल्फर पॉजिटिव है पर यहाँ पे नेगेटिव था, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरिन, फ्लोरिन तो हाइएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो हमको सल्फर के तीनों मिल गए, एक जगह 0, -2 and 1, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ एजाइड आयन, एजाइड आयन का फॉर्मूला होता है N3-, जैसे इसको NaN3 है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम एजाइड, जब N के ऊपर जो तीन नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको एजाइड, ये तो नाइट्राइड कहलाता है, ये एजाइड है, ये नाइट्राइड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Br- आयन, ब्रोमीन 35 है, ठीक है, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Br- में 36 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, Br- में 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ जाएगा,
ब्रोमीन में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है P5 में, जैसे ब्रोमीन को पहले 35 बनाओगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 5, 10, 20, 35 हो गया। तो ब्रोमीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन P5 में जा रहा है। जब ब्रोमीन माइनस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो 36 इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे आ जाएगा, 4p6 में। अब जो 4p6 वाला है वो आंसर सही होगा। आर्गन क्या है, 18, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्गन का हो गया 4s2, 3d10, 4p5 होता है जब ब्रोमीन था, और 4p6 होगा जब ब्रोमीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और दे देंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहीं पे आएगा क्योंकि पी में जगह है, वहीं पर आ जाएगा। और ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो जी आर माइनस हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 32 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तीन वीडियो हो गई, एक में हमने 8 किए थे, फिर एक में 20 तक कर दिया, यहाँ 32 तक कर दिए, तो 55 क्वेश्चन टोटल है, उनमें से 45 करने होते चॉइस है इंटरनल, पर हम सारे 55 तक करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मैंने समझा दी। देखिए आंसर तो निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, गैस करके भी कुछ सही निकाल सकते हैं, बट सबकी एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, सबके अंदर कारण क्या है, वो अगर मालूम है तो क्वेश्चन किसी फॉर्म में भी पूछा जाए आप कर ले जाओगे। और जब आपको किसी कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी होती है तो उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ के क्वेश्चन चाहे नेट पे हो, चाहे किसी बुक्स में हो, या किसी स्कूल के पेपर हुए हैं उनके MCQ क्वेश्चन देखिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, यहीं तक रखते हैं।